सो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है जब हम चार्ल्स को यहाँ पे स्पॉन कराने वाले हैं और उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। और उसके लिए हमें इस तीनों एग को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से इस तीनों एग को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये हमारा पहला एग यहाँ पे लग चुका है और ये हमारा दूसरा एग भी यहाँ पे लग चुका है और ये तीसरा एग भी यहाँ पे लगेगा और फिर यहाँ पे चार्ल्स आ जाएगा। बट यहाँ पे वारेन चार्ल्स आ गया और ये हमें बोल रहा है कि इससे दूर रहो भाई, तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्या करने जा रहे हो। लेकिन हम उसकी बात नहीं सुनते हैं और इस एग को यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे चार्ल्स आ जाता है और भाई यहाँ पे ये सारे पावर्स को एब्जॉर्ब करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा है। भाई अभी लगता है हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि ये पहले वाला चार्ल्स नहीं रहा और यहाँ पे सारे गार्ड्स भी इसको देख के भाग रहे हैं। ओ भाई इसने तो वारेन चार्ल्स को ही खा गया। भाई मुझे यहाँ से जल्दी जल्दी अपने ट्रेन के सामने जाना पड़ेगा। ओके जल्दी जल्दी ट्रेन को स्टार्ट करता हूँ और अभी मैं इसको दिखाता हूँ। भाई तू इधर आ, ये ले खा खा। अबे मर ना भाई, अबे डैमेज ही नहीं लग रहा, अबे भैंस की डंग डैमेज ही नहीं दे रहा। भाई ये पहले से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, मुझे अपनी ट्रेन का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहा है। अभी ये तो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाएगा भाई। और ये क्या हो रहा है भाई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनते जा रहा है। अबे इतना मार रहा हूं, इसके मुंह पे मार रहा हूं फिर भी ये सामने आ रहा है। ओके तो अभी इसको बहुत ही ज्यादा डैमेज तो लग रहा है लेकिन मुझे बीच बीच में ट्रेन का हेल्थ भी देखना पड़ेगा। और ये देखो ट्रेन का हेल्थ तो 0 कर दिया था इसने। अभी तेरे को छोड़ूंगा नहीं बेटा, तू इधर आ, तेरी नानी याद दिला दूंगा। अबे कहां भाग रहा है, अबे भाग क्यों रहा है तू, अबे सीधा आना भाई। ओके तो गाइस मैंने चार्ल्स का हेल्थ एकदम हाफ कर दिया और अभी हमें उसको उस ब्रिज के सामने ले जाना पड़ेगा जहां पे मैंने पिछली बार बॉम्ब को फिट किया था। बट ये फिर से इसको क्या हो रहा है भाई, अबे कहां से आ रहा है, और भाई ये देखो साइड से आ रहा है। ले ले खा खा। भाई इसके मुंह पे मार रहा हूं फिर भी इसको कुछ हो ही नहीं रहा और मुझे ट्रेन को भी अपग्रेड करना है। और ये देखो फिर से 0 कर दिया और मेरे पास और स्क्रैप्स भी नहीं बचे हैं। भाई इस बार मेरे को बहुत ही ध्यान से रहना पड़ेगा, मेरे पास और स्क्रैप्स नहीं बचे हैं, मतलब मुझे इस बार ही चार्ल्स को मारना पड़ेगा नहीं तो ये मेरे को मार देगा। ओके इसको बहुत ही डैमेज लग रहा है, बस इसको मेरे सामने आने मत देना है। इसका हेल्थ देखो मैंने बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, अभी बस इसको उस ब्रिज के सामने ले जाना है। और भाई फिर से इसको क्या हो रहा है, अबे गुस्सा हो गया क्या भाई, और भाई ये अब पगला गया है, ये मेरे को छोड़ेगा नहीं अब। लेकिन हम भी किसी से कम है क्या, इसका खेल आज खत्म। ऑल राइट गाइस हम उस ब्रिज के सामने पहुंचने ही वाले हैं और इसका हेल्थ देखो बस 20% ही बचा है, बस और थोड़ी देर मुझे इसको मारते रहना है फिर इसको इसकी नानी याद दिलाऊंगा। और ये कुछ ज्यादा ही उछल उछल के मार रहा है भाई, तू उछल ले बेटा, तू उछल ले, कितना उछलना है उछल ले, तेरा खेल अभी खत्म होने वाला है। बट मुझे अपनी ट्रेन का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि मेरे पास और स्क्रैप्स नहीं बचे हैं और ये मेरे को डैमेज भी दे रहा है। अबे कहां भाग गया, अबे बीच बीच में ये भाग जा रहा है और साइड से आके मार रहा है। भाई ये मेरी ट्रेन को बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहा है, क्या पता ये मेरे को मार दे और यही जीत जाए। और ये लास्ट टाइम भी इसको ज्यादा डैमेज ही नहीं लग रहा भाई, कहां गया भाई। ओके मैंने इसका हेल्थ एकदम 0 कर दिया है और अभी इसका खेल खत्म ही होने वाला है। लेकिन ये एंड टाइम में बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहा है मेरी ट्रेन को। ऑल राइट गाइस हम फाइनली उस ब्रिज के सामने आ चुके हैं और ये देखो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो चुका है, अभी चार्ल्स का खेल एकदम खत्म। और ये हमारा चार्ल्स एकदम खत्म। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।